नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गुपचुप यानी कि पानी पूरी। एक्चुअली लॉकडाउन के वजह से हम लोग पानी पूरी को बहुत ही मिस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग मार्केट में जाके पानी पूरी नहीं खा सके तो क्या हुआ, हम लोग घर में ही पानी पूरी बना लें। तो पानी पूरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेन होता है पूरी, जो कि हम लोग नॉर्मली पूरी को घर में बना नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं खुद भी आज सोची कि चलो आज पानी पूरी का एक आइटम बनाते हैं। तो पानी पूरी बनाने के लिए मुझे मैदा चाहिए, सूजी चाहिए, खाने वाले सोडा चाहिए और थोड़ा सा गरम, मतलब हल्का गरम पानी चाहिए। तो मैदा और सूजी का जो क्वांटिटी होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा, मतलब जितना हम मैदा लेंगे उतना ही सूजी लेंगे और बस 1 पिंच हम लोग खाने का सोडा लेंगे। और फिर ये पानी से जो डो बनाएंगे वो हम लोग गर्म पानी यूज करेंगे, हम लोग इसमें ठंडा पानी यूज नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको मिक्स करके डो बना। ये देखिए दोस्तों, तो इसे मैंने मैदा सूजी और खाने का सोडा को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से सान के इसका डो तैयार करते हैं। तो डो तैयार करने के लिए हम लोग को हल्के गर्म पानी की जरूरत है, जिसको मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग डो बनाते हैं। ये हमारा मिक्सिंग हो गया है, तो अब हम लोग चलिए डो बनाते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मिक्सिंग हुआ। अब इसमें हम लोग ये गर्म पानी, ये जो गर्म पानी है, ये जो गर्म पानी है हल्का गर्म है, इसे हम लोग सानना शुरू कर दे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको हम लोग सानेंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोग इसको हल्का आपसे इसको सानते हैं, थोड़े थोड़े पानी देके सानिएगा, एक बार में ज्यादा पानी नहीं देना है। ज्यादा पानी हो जाएगा तो फिर ये गीला हो जाएगा, जो कि फिर हम लोग अपने मेजरमेंट को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए ताकि हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये जो आटा जो सानना है, मैदा है, जो हम लोग मिक्सर को सानेंगे उसका मेजरमेंट ठीक रहे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आटा गूंथना बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए इस टाइप के हमारे आटा ना ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज्यादा सख्त होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम लोग एक गीले कपड़े से इसे ढक के 1 घंटे के लिए हम लोग इस तरह से ढक के, गीला कपड़ा होना चाहिए, इसे गीले कपड़े से इस तरह से ढक के हम लोग 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। सो इस बीच में आप हम लोग चोखा और पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। ये एक्चुअली पानी पूरी में चोखा और पानी जो दो है, ये दोनों को हम लोग अपने टेस्ट के अनुसार बनाते हैं, बट मेन होता है पूरी, जो कि हम लोग नॉर्मली पूरी बना नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने आज अपनी वीडियो में इसे ऐड किया है। तो दोस्तों, आप लोग अपने 1 घंटे के समय में आप लोग इसमें चोखा और पानी दोनों के टेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे तैयार कर सकते हैं। फिर हम लोग 1 घंटे के बाद इसकी पूरी को हम लोग बनाएंगे। तो इसको अभी हम लोग 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। तो ये 1 घंटे के बाद अब इसे मैं देखूंगी। ये देखिए हमारा आटा और थोड़ा सा नरम हो जाता है, ये देखिए। और एक साइड हम लोग क्या करेंगे, तेल को गरम करने के लिए इसके लिए कढ़ाई में चढ़ा देंगे। डीप फ्राई करने होंगे तो हमें तेल थोड़ा ज्यादा लेना होगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम लोग अपने आटे की छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे। छोटी छोटी पूरियां बनाने के लिए हम लोग अपने डो को पहले ऐसे एक गोल लोई काटेंगे। इस लोई को अच्छे से यूं ऐसे, मतलब अच्छे तरीके से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद इसे बड़े रोटी के शेप में बेलना है।
तरह से हम लोग आटे का लोइया बनाएंगे और लोइयों को रोटी के तरह बेल देंगे। पूरे रोटी जिस तरह से हम लोग बेलते हैं उस तरह से हम लोग इसे बेलेंगे। दोस्तों इस तरह से हम लोग रोटी की तरह बेल लेंगे और एक माप का एक साइज का हमारा पूरी हो इसलिए हम लोग किसी भी चीज से इस तरह से करके इसे काट लेंगे। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको इस तरह से उठा लेंगे तो इससे क्या होगा हमारे पूरी के सभी पूरी एक साइज के मिल जाएंगे। फिर तेल पूरा गर्म होना चाहिए और जब हम लोग पूरी को डालेंगे तब वो पूरा फ्लेम होना चाहिए। इस तरह से हम लोग तेल को गरम कर लेंगे। जब हमारी पूरी फूल जाए अच्छे तरीके से जब फूल जाए तो फ्लेम कम करके इसे थोड़ा कड़ा होने के लिए भूंजेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें कड़ा होने तक के लिए फ्राई करना होगा। ये देखिए